नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा फोकस है, जो चर्चा का विषय है, वो है इंडिया की चौतरफा बैटिंग फॉरेन अफेयर्स के मामले में। आपको वर्ल्ड अफेयर्स की खबरों से तो ये पता ही होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस समय फ्रांस और यूएई की विजिट पर हैं, और दूसरी तरफ एस जयशंकर जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आसियान और बिम्स्टेक की मीटिंग पर है। तो दोनों तरफ क्या चल रहा है? इंडिया, मैंने ऐसा क्यों लिखा कि इंडिया ऑलराउंड बैटिंग या ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे रहा है? दोस्तों, फ्रांस की विजिट की बात करेंगे तो फ्रांस में 14 जुलाई को बेस्टिल परेड होती है। इस दिन फ्रांस के आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लोगों ने मिल करके बेस्टिल की जो जेल थी वो फूंक दी थी, तो उस दिन को जो है वो फ्रांस डे मनाता है, अपना नेशनल डे मनाता है। उस दिन परेड होती है आर्मी की, जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी को राजपथ पे, जो अब कर्तव्य पथ हो गया है, उस कर्तव्य पथ पर जो एक आर्मी की परेड होती है, ठीक उसी तरह से वहाँ भी ऐसा होता है। जैसे हमारे यहाँ चीफ गेस्ट रखे जाते हैं, इस बार के जो चीफ गेस्ट थे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी थे। तो वहाँ जाने के बाद सिर्फ वो बेस्टिल परेड की ही बात नहीं है, वो गार्ड ऑफ ऑनर और वो ह्यूज वेलकम जो एक डिनर होस्ट किया गया फ्रांस के सबसे बड़े म्यूजियम में, इमैनुअल मैक्रोन ने नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ा डिनर होस्ट किया। इसके अलावा जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अपना हाईएस्ट अवार्ड देना, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है, ठीक उसी तरह से फ्रांस के पास भी द ऑनर ऑफ क्रॉस ऑफ लीजन का जो ऑनर है ये इमैनुअल मैक्रोन ने नरेंद्र मोदी को दिया है। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये है कि ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो फर्स्ट टाइम किसी प्राइम मिनिस्टर को मिला है। कुछ बेहतरीन डील्स हुई हैं, जिनमें सबसे बड़ी सक्सेसफुल है कि फ्रांस ने यूपीआई एक्सेप्ट कर लिया है। जी, यूपीआई हमने एक और पहले भी वीडियो बना रखा है कि यूपीआई ऑल ओवर वर्ल्ड में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी सभी लोग यूपीआई को लेकर के उत्सुक हैं। अभी हाल ही फिलहाल मैंने आपको बताया था कि जापान ने यूपीआई एक्सेप्ट कर लिया है। आज 14th ऑफ जुलाई को जो मीटिंग हुई उसमें फ्रांस ने भी यूपीआई एक्सेप्ट कर लिया। मतलब अब जो फ्रांस टूरिस्ट जाएंगे इंडिया से वो आराम से रुपए में यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं और फ्रांस उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उनको वहाँ की करेंसी में बदलने की ज़रूरत नहीं। ये एक्सेप्टेंस है इंडियन करेंसी का, शुरुआत ही सही। इसके अलावा एक मेगा डील प्रोजेक्ट है जो आपको पहले से पता है कि 15 जो नेवल राफेल जेट्स हैं उनकी डील की बात चल रही थी, वो भी फाइनलाइज हुई है। और जो मेक इन इंडिया के मामले में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये होती है कि इंडिया और फ्रांस मिल करके 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स बनाएंगे, साथ ही जो सबमरीन्स के इंजन हैं उन इंजन्स को भी फ्रांस शेयर करेगा इंडिया के साथ। बड़ी बात। तो कुल मिलाकर के ये फ्रांस के जेट्स का हमने हूबहू ब्यौरा दिया। पहले क्या होता था कि गए ऑनर्ड वेलकम हुआ, पीएम ने रिसीव किया, फ्रांस के जो पीएम है मैम है उन्होंने रिसीव किया है नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पे, काउंटर पार्ट है तो उन्होंने रिसीव किया गार्ड ऑफ ऑनर, यही बड़ी बात होती थी। अब आजकल जैसे आपने फिलहाल इसे जस्ट पहले यूएस के विजिट में देखा होगा, नरेंद्र मोदी ने जॉइंट सेशन को वहाँ के असेंबली के जो सीनेट हैं उनको संबोधित किया था। जो बाइडेन ने एक बहुत बड़ा डिनर होस्ट किया इनके सम्मान में, नरेंद्र मोदी के सम्मान में। उसी तरह से फ्रांस में भी सबसे बड़े, फ्रांस के सबसे बड़े म्यूजियम, यू नो वर्ल्ड के बड़े सबसे बड़े म्यूजियम में इमैनुअल मैक्रोन ने नरेंद्र मोदी को एज अ होस्ट उनके सम्मान में डिनर ऑर्गेनाइज किया। तो ये जो सम्मान मिल रहा है चारों तरफ, ये एक्सेप्टेंस है इंडिया के साउथ ग्लोबल के लीडर होने का। फ्रांस से आते हैं यूएई में, आइकॉनिक बुर्ज खलीफा,
सभी ने देख रखा है, पूरा बुर्ज खलीफा ट्राई कलर में रंग दिया गया है। साथ ही नरेंद्र मोदी की उसमें फ़ोटो चलाई गई, नरेंद्र मोदी का नाम, उनको ऑनर वेलकम किया गया बुर्ज खलीफा पर। जैसे ही यूएई में उतरते हैं वहाँ के काउंटर पार्ट उनको रिसीव करते हैं। उसके साथ ही आपको जान के ताजुब होगा, इस दौरे पर यूएई के अबू धाबी में हिज मजेस्टी जायद बिन नाहयान, इन्होंने होस्ट किया है वेजिटेरियन डिनर, टोटली वेजिटेरियन डिनर नरेंद्र मोदी के सम्मान में। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात हो रही है वो है रुपए दिरहम ट्रेड की। आपको पहले से पता होगा अगर दो कंट्रीज, वर्ल्ड की दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं तो वो डॉलर में होता है। अगर हम किसी कोई सामान खरीद रहे हैं तो हमको उसमें डॉलर देना पड़ता है, या फिर वो हमसे कोई सामान खरीद रहा है तो हमको डॉलर देना पड़ता है, तो ऐसे में डॉलर की जरूरत पड़ती है। और डॉलर को हटा करके अपनी करेंसी में जब ट्रेड होता है तो उसको डी डॉलराइजेशन कहते हैं। और इंडिया चाइना आप समझते हैं डी डॉलराइजेशन के एक रास्ते पर बढ़ रहा है। अब हमको यूएई से एक एक्सेप्टेंस मिल गया है कि हम रुपी और दिरहम, दिरहम जो है वो करेंसी है यूएई की, तो दिरहम और यूएई में सॉरी रुपीज में हम ट्रेड कर सकेंगे डायरेक्टली बिना डॉलर के। और इसके अलावा आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस अबू धाबी में खोला जाएगा। आपको जान के ताजुब होगा श्रीनगर में एक बहुत बड़ा मॉल बन रहा है जो एमआर कंपनी बना रही है। एमआर कंपनी सेम वही कंपनी है जिसने बुर्ज खलीफा बनाया है। तो कहने का मतलब ट्रेड स्ट्रांग हो रहे हैं, इंडिया की ग्लोबल लेवल पर एक्सेप्टेंस और बढ़ रही है, दावा मजबूत हो रहा है। और अगर हम बात करेंगे हमारे एस जयशंकर के विजिट की, तो आपको हाल ही फिलहाल देखने को मिला होगा एक फैंसी ड्रेस में एस जयशंकर जो है वो आसियान समिट में बुलाए गए हैं। आसियान जो है वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक समूह है जिनको हम टाइगर इकोनॉमीज कहते हैं, उन इकोनॉमीज के समूह में इंडिया को इन्वाइट किया गया। एज अ फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने वहां के विजिट को सबमिट किया है, समिट को विजिट किया, और बहुत सारे काउंटर पार्ट्स अपने साथ के जो उस सामने के विदेश मंत्री, इसमें एंटनी ब्लिंकन जो कि यूएस के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडोनेशिया के, थाईलैंड के, इन मिनिस्टर से बात की। इसके साथ ही जो बड़ी अपडेट हुई है वो है चाइना ने भी इंडिया को कुछ ऑफर किया है। जी हाँ, चाइना के जो विदेश मंत्री वांग यी हैं उनके साथ एस जयशंकर की मीटिंग हुई है। चाइना ने कहा है कि हम अब पीस की बात करते हैं, लेट्स टॉक फॉर द पीस। सभी जानते हैं कि चाइना का अग्रेशन कभी कम नहीं पड़ता। क्यों कम पड़ा है? ये एक्सेप्टेंस है इंडिया की इमर्जिंग पावर का, जो फॉरेन लेवल पर इंडिया इस समय जो खेल खेल रहा है, जो बैटिंग कर रहा है, दैट इज माइंड ब्लोइंग। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ये तत्कालीन घटनाक्रम है, आगे इसके बहुत सारे मायने निकलेंगे। इंडिया बिम्स्टेक भी सबमिट, जो एस जयशंकर हैं वो बिम्स्टेक भी जाएंगे। बिम्स्टेक जो है वो बे ऑफ बंगाल में जितने भी कंट्रीज हैं उनका एक बहुत बड़ा संगठन है, भारत उसमें इंक्लूड है। तो ये जो सबमिट हो रहे हैं लगातार एक पे एक, इनको इमर्जिंग पावर के एक्सेप्टेंस के रूप में लिया जाना चाहिए। इंडिया साउथ ग्लोबल के लीडर के रूप में उभर रहा है और हमें ये खुशी है कि हम इस जनरेशन को बिलोंग करते हैं जहां पर कि हमारा दुश्मन, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन दुश्मन देश के भी प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने एक्सेप्ट किया है कि इंडिया ने जबरदस्त डेवलपमेंट किया है। जब आपका दुश्मन ये मानने लगे कि आपने डेवलपमेंट किया है तो वाकई में बदलाव तो आया ही है। इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ मैं चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च पर भी इस देश को बधाई देना चाहता हूं और मुझे बहुत खुशी है। मतलब इवन जब उसका जो रिवर्स नंबरिंग चलती है 3-2-1-0 जो फिर जो लॉन्च होता है, दैट इज अ माइंड ब्लोइंग मूवमेंट फॉर एवरी इंडियन। और हम चाहते हैं कि 24 अगस्त को इस बार चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए और हमारा मिशन सक्सेसफुल हो। आप भी मनाइए, तो आगे आने वाले अपडेट्स के लिए इंतजार करते रहिए। धन्यवाद।